इन दोनों ने बनाने नहीं थी। सारी पूड़ी ले आई है थाली में, जैसे कि ये क्या। दो यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं काफ़ी रिसेंटली मैंने उनको मतलब देखना शुरू किया है, और वो हैं स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु। तो अभी ना स्केटर हिमांशु की एक मतलब उन्होंने फर्स्ट ही अपनी वीडियो बनाई। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 19 या 20 क्योंकि कल 18 थी ना। हाँ तो आज है 19 फरवरी 2020। इनको कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी फरवरी है और क्या हो गया। भैया मसाले कब भरोगी अपने? भरे नहीं रही, बस मंगा लेती हो। और हमारे यहाँ क्या बन रहा है देखो, क्या बन रहा है, पूड़ी और आलू की सब्जी। ब्राह्मण लोग बस यही खाते रहते हैं, पूड़ी आलू की सब्जी और मट्ठी आलू, है ना। बहुत ओकेजन पे मतलब ऐसे ही बनता रहता है हमारे यहाँ। कल हमने ब्रेड रोल खाए थे और आज हम ये खा रहे हैं। और भाई साहब एक चीज़ बताऊँ, गर्मी की तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है इस बार, क्योंकि अभी से इतनी गर्मी हो गई है ना। तो मैंने तो वही अपने पहन लिए कपड़े चेंज करके, मैंने तो अपने पहन लिए, मैंने तो गर्मियों के कपड़े भी पहन लिए, इतनी गर्मी हो गई है। और टोंड आ गई फिर से, कैसे करूँ इसे कम। चलो जी, सो गाइस आ गई है हमारी गर्मा गर्म पूड़ी, आलू की सब्जी और हलवा। और पिक्चर हम देख रहे हैं फैंटम, संडे एंजॉय कर रहे हैं ना भाई। खा लिया आपने? कैसा था खाना? चलो गाइस हम भी अपना खाना खाते हैं, मम्मी भी आ रही हैं, बस वेट कर रहे हैं। तो अपना खाना लेके आ रही हैं और खाते हैं फिर। वैसे वो अभी थोड़ी लेट करेंगी क्योंकि गर्मा गर्म पूड़ी बना रही है ना, तो एक और आ गई। ओए होए चलो जल्दी खा लेते हैं, भूख के मारे दर्द हो रहा है मेरा पेट अब। तो आज है हमारे साथ हमारे अंकल, और गुजिया बनाने में बहुत हेल्प करी है इन्होंने। हेल्प नहीं, बना भी लेते हैं। बना लिया आपने? हाँ। आपने बनाई नहीं है, आपने बातें करी है बस। जब ये आ गए ये दोनों आ गए। और आंटी बना रही है गर्मा गर्म गुजिया, खाने के बाद कॉफी पी जाएगी। बताओ कॉफी पी जाएगी। कॉफी गंगिया रेडी है और टेस्ट करके बताना है कि कैसा टेस्ट आया। बिल्कुल, और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही स्वादिष्ट सी, इसके अंदर मतलब खुशबू तो अच्छी आ रही है। आपका हाथ जल गया क्या गुजिया बनाते बनाते? नहीं। अच्छा बी केयरफुल आंटी ने और दीदी ने बल्कि पूरी गुजिया बना ली है, और अंकल ने सिर्फ बातें करी आपने। इन दोनों ने बनाने नहीं थी मुझे, झूठ मत कहो। मम्मी सुन ले, मम्मी आ गई तेरी। हाँ। तेरी मम्मी आ गई और वो आ गई, फिर मैंने बनाई नहीं। जब ये आ गई दोनों तो मम्मी भी यहाँ पे, मैंने कहा था कि चलो ढोलक बजाएंगे, ढोलक लेके। अगर मम्मी नहीं और ये नहीं आती तो मैं बनाता। सही था। जब ये आ गए लोग तो फिर मैं क्या बनाऊँ। हाँ चलो, अभी तो हम ही दोनों बनाते हैं, हम ही दोनों भी बनाते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया गुजिया देख के। अब तो खा के पता चलेगा कि कैसी है। बिल्कुल सही बात है। और क्या, कॉफी बनते हुए और भाई कॉफी बन रही है। चलो तो खाना खिला दिया ना बेटा, इतना खाना खिला दिया ना, इतनी पूड़ी खाई है मैंने कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं बस चाय पीऊंगा अपनी और कुछ नहीं खाऊंगा। अरे हाँ, जो हमने गुजिया बनाई थी देखो गाइस कितनी बढ़िया गुजिया बनाई है। नहीं बनाई है आंटी, अभी हमने नहीं बनाई है, अभी आंटी सामने ने बनाई है। और बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका गुजिया का, बहुत अच्छी स्वादिष्ट गुजिया है ये। काश आप ये खा कर टेस्ट कर पाते तो आपको पता चलता। तो अब हम चाय के साथ थोड़ा गुजिया खाएंगे। और यस, और नमकीन ने मैंने कल मंगाया था जेप्टो से, चल रहा लेकर। आपको खाना तो खा लो, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मेरा तो हो रहा है बहुत पेट में वो। और अब शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है यहाँ पे, तो काफी अच्छा वेदर हो रहा है फिलहाल। और यस चलो पहले चाय पीते हैं फिर थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। और गाइस ये है मेरा आज का आउटफिट। तो कल मैंने जैसे काफी ट्रेडिशनल पहना था, और आज मैंने अपना पूरा रूप और रंग बदल दिया है। ये मैंने थोड़ी सी चोटी बनाने की कोशिश करी है बट बन नहीं पाई, क्योंकि मेरे को ना ऐसा लग रहा है कि मेरे ना बाल काफ़ी ड्राई होते जा रहे हैं। मे बी क्योंकि ये ना कलर की वजह से हो रहे हैं, जो मैं हेयर कलर करवाती रहती हूँ ना उसी की वजह से हो रहे हैं। और अगर आप अपने बालों को ऐसे बांध के रखते हो तो वो थोड़ा मॉइस्चर उनमें रहता है, इसलिए मैं वापस ये ऐसी हर जगह कर लूँगी सारे बालों में, तो थोड़े सही बेटर हो जाएंगे मेरे बाल।
बस चाय पीते हैं फिर बाहर चलते हैं। चलो देख लिया मेरा आउटफिट आज का मेरा। तो गाइस अब हम थोड़ा बाहर घूमने जा रहे हैं एंड घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे तो बस 2 1 0 सॉरी अपर ग्राउंड गलत बोल दिया 0 एंड बस। तो गाइस अभी हम अपने दोस्त की सोसाइटी आए हैं और बस उसकी मम्मी की तरफ से इनविटेशन था तो कुछ खाने पीने का तो हम आए हैं और ये हैं हमारे अंकल यहाँ पे बैठे हुए। हेलो अंकल। हेलो। कैसे हैं आप? ठीक है। ओके तो हम आए थे BYOB बट यहाँ पर इतना जाम लगा हुआ है यार कि आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड प्लान क्योंकि आज संडे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है तो हम कैंसिल कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग देयर क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा है। पर ये कितना ज़्यादा अमेजिंग सा लगता है देखो कितनी अच्छी लाइट लगा है यहाँ पे और ये पूरा हाईवे पड़ता है और आपको यहाँ पे बहुत अलग अलग ढाबे भी मिल जाएंगे मतलब पहलवान ढाबा ये ढाबा कुछ खाने पीने का अगर आपको देखना हो तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और यस चलो अब देखते क्या खाएंगे कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है मेरा तो। तो गाइस हम आ चुके थे मार्केट में ये KW सृष्टि वाली और यहाँ पे बहुत सारा सामान होता है बट आज हम जो खाने का मन था दाल मुंगलेट तो लगी नहीं है बंद है वो शॉप सो आर बैड लक। चलो भाई कोई बात नहीं अब ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस हमें मिली तो नहीं थी दाल मुंगलेट चाउमिन मिल गई थी तो अब बस ये सोयाबीन वाली चाउमिन खा रहे हैं काफ़ी स्पाइसी होती है बहुत मज़ा आ जाता है यम्मी थी चाउमिन तो चलो खाते हैं। तो गाइस देख लो जब घर में पूड़ियाँ बनती है ना तो ऐसा होता है कि हम 24 घंटे पूड़ी खाते हैं और हलवा खाते हैं तो ऐसे ही होता है ना भाई ऐसे ही होता है ना सच बता दो ऐसा होता है कि नहीं होता बता दो हटा दे क्यों इतनी सारी पूड़ी ले आई है थाली में जैसे कि ये क्या कोई नहीं दो दो खाए। तो हम आ गए हैं घर पे वापस और आज काफ़ी बैड लक हो गया यार क्योंकि जब मार्केट गए थे तो जो हम वो खाने गए थे यहाँ पर अपना दाल मुंगलेट तो वो हमें मिला नहीं। बहुत ही अमेजिंग होती है अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर खाना यहाँ पे मुरादाबादी दाल मुंगलेट कुल्लड़ में देते हैं वो मूंग की दाल होती है और उसके ऊपर अच्छा सा स्पाइसी सा तड़का लगा के बनती है। अगर आपको देखनी तो मेरे शॉर्ट्स में भी देख सकते हो लेकिन अभी ना मैंने मतलब एक घर आके एक चीज़ देखी तो दो यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं काफ़ी रिसेंटली मैंने उनको मतलब देखना शुरू किया है और वो हैं स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु। तो अभी ना स्केटर हिमांशु की एक मतलब उन्होंने फर्स्ट ही अपनी वीडियो बनाई है और रोस्ट के ऊपर बनाई है वो वीडियो काफ़ी मज़ेदार है मतलब बहुत ही रियल लोग लगते हैं मुझे और जैसे उनका तरीका है रहने का जैसे वो इंट्रो करते हैं अपना राम राम भाई साहब और ऐसे ऐसे करके तो मुझे मतलब बहुत अच्छे लगते हैं उनकी सारी वीडियोस क्योंकि एक तो वैसे ही इंसान अपनी ज़िंदगी में दुखी रहता है लेकिन उनकी वीडियो से मज़ा आता है खुशी मिल जाती है और मुस्कुराहट आ जाती है लोगों के चेहरे पर तो इट्स रियली नाइस। और उनके मम्मी पापा तो बहुत ही अच्छे हैं मतलब चाहे मुझे पता नहीं कि भाई वो एक्टिंग करते क्योंकि ऐसे रोज़ रोज़ अगर आप प्रैंक कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा को तो पता चल ही जाता होगा ना कि क्या है ये तो मुझे नहीं मालूम है हो सकता है कि शायद ना पता हो पर जो भी उनकी जितने भी मतलब एक्टिंग हो या जो भी हो भाई साहब लाजवाब है बहुत ही मज़ेदार है। लेकिन अब क्या हुआ उनकी वीडियो से मुझे एक चीज़ पता लगी जिनको उन्होंने रोस्ट किया था तो वो थे फुकरा इंसान जो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं उनको सब जानते हैं लेकिन उन्होंने मतलब एक वो जो ये वाली वीडियोस होती है ना जिसे क्या कहते हैं वो बनाते हैं ना जो वीडियोस लगा लेते हैं और रिस्पॉन्स वीडियोस कहते हैं या पता नहीं वीडियोस के ऊपर रिएक्शन वीडियोस तो वो रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे और उन्होंने स्केटर हिमांशु की एक प्रैंक वाली वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया था जिसके अंदर वो अपने पापा के ऊपर प्रैंक कर रहे थे। वो शैम्पू वाला होता है ना जो शैम्पू बार बार बालों में डालो और वॉश करते तो मतलब बार बार शैम्पू आता जाता है वैसा वाला प्रैंक किया था वो बहुत मज़ेदार प्रैंक था। और जो उनका एक गाना है ना जो मैं अभी लास्ट में इसमें एंड में डालूंगी तो वो आप सुनना कि काफ़ी अच्छा गाना है वो भी मतलब जो अपना म्यूज़िक डालते हैं बैकग्राउंड में वो बहुत अच्छा है
तो वो वीडियो के ऊपर उन्होंने अपना ये बनाया रिएक्शन वीडियो फुकरा इंसान ने, तो उसके अंदर ना सच में उन्होंने बहुत ख़राब चीज़ करी कि जब वो रिएक्शन दे रहे थे अपना उस वीडियो के ऊपर, तो उन्होंने मतलब मुझे नहीं मालूम है, ये हो सकता है बहुत इंस्टेंट चीज़ होती है हम कर रहे होते हैं, लेकिन आप वीडियो एडिट कर रहे हो आपको पता है कि आपके मुँह से ऐसा कुछ निकल गया तो आप उसे हटा सकते हो, भले ही स्केटर राहुल स्केटर हिमांशु प्रैंक्स वीडियो बनाते हो पर वो अपनी फैमिली के साथ ही रखते हैं, वो ऐसे कभी किसी के मम्मी पापा के बारे में या किसी के बारे में भी ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, लेकिन उसमें फुकरा इंसान ने उनके पापा के बारे में ऐसे बोला कि मार 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 मतलब ऐसे करके कुछ बोला था, और जिसपे स्केटर राहुल का भी रिएक्शन आया कि भाई मतलब ये बोल किसको रहा है, मेरे पिताजी को बोल रहे क्या, तो अगर पिताजी को बोल रहे तो ऐसे मारो मारो बोलना चाहिए था, मार मार नहीं बोलना चाहिए था। अब पता नहीं मे बी शायद उन लोग का क्या है, आपस में कोलैब हो या जो भी हो या जो भी बना रहे, लेकिन हाँ बट ये हमें चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हम किसी के पेरेंट्स के बारे में कभी बात कर रहे हैं तो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है इंसान, और उसको हमें मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली कंसिडर करना चाहिए, ऐसे नहीं बोल देना चाहिए कि मार मार या जो भी उन्होंने किया, तो चाहे वो कोई भी हो भले ही उसने हमारे ऊपर कुछ भी बोल दिया या कुछ भी कर दिया हो, लेकिन हम किसी के भी पेरेंट्स के बारे में बात करें तो हमें अच्छे से करनी चाहिए। एक आपको याद होगा कि मैंने एक पागल जोन पे भी ऐसी वीडियो बनाई थी, भाई उसको तो हैट्स ऑफ है कि वो कैसे ही बाहर निकल पाती है सच में, क्योंकि जिस तरह की वो वीडियो बनाती है ना उसको लोग देख के मतलब क्या ही बोलते होंगे कि कैसे तुम किसी के घर के माँ बाप के बारे में ऐसे बोल रहे हो, वो हर किसी के बारे में बोलती है विच इज़ रॉन्ग, लेकिन जो आप कर रहे हो फिर एज अ बिग यूट्यूबर तो वो भी तो गलत है ना यार, आप किसी के मम्मी पापा के बारे में थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करो बस और क्या। और मुझे तो बहुत पसंद है वो दोनों, स्केटर राहुल और स्केटर हिमांशु दोनों ही, और स्केटर हिमांशु को ज़्यादा पसंद है उसकी भाई, मतलब मैं लिटरली रात को अगर आपको हंसना हो तो आप उसकी वीडियो खोल के देख सकते हो, और ये कोई ऐसा नहीं है क्योंकि मुझे तो शायद मेरे तो अभी कितने ही थोड़े से ही हैं सब्सक्राइबर तो मुझे कौन ही जानता होगा, पर मुझे बहुत पसंद है वो, और आपको अगर हंसना हो तो आप उनकी वीडियोज़ जाके देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ भी बनाते हैं, तो अगर मुझे कभी कोई आइडिया ऐसा लेना होता है ना तो मैं वहीं से ले लेती हूँ। एंड आज के व्लॉग के लिए मैं कहूँगी कि इतना ही था मेरे पास, और यस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ में जो बेल आइकन है ना उसे हिट कर देना ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, गुड नाइट, लव यू। Bye.